भारत में एक लड़की की शादी होने के बाद उसकी पहचान बदल जाती है। तमाम सरकारी दस्तावेजों में और पहचान पत्रों में पिता के स्थान पर पति का नाम दर्ज किया जाता है। लेकिन पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शादी के बाद भी लड़की के पिता का नाम प्रदर्शित होता है। आखिर क्यों आयकर विभाग पति को मान्यता नहीं देता है? ऐसा नहीं है कि आयकर विभाग पति या परिवार को मान्यता नहीं देता, बल्कि विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में पूरे परिवार की जानकारी होती है। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर है। परमानेंट का आशय मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही अकाउंट नंबर होना चाहिए। भले ही विवाह 7 जन्मों का बंधन हो, परंतु कानून में तलाक की व्यवस्था भी है। मान लीजिए एक औरत के पति की मृत्यु हो जाती है और फिर वह औरत दूसरी शादी कर लेती है, तो उसके पति का नाम बदल जाएगा, जिसके लिए पैन कार्ड को फिर से अपडेट करवाना पड़ सकता है। इसीलिए पिता के नाम को ही स्वीकृति दी जाती है। अगर पिता की मृत्यु होती भी है तो उनका रिश्ता तो वही रहेगा। बस इसी वजह से पैन कार्ड में पति के नाम की जगह पिता के नाम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्या आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है? यस या नो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर बना हुआ है तो आपके पैन कार्ड में आपके पिता का नाम है या पति का नाम है? प्लीज़ कमेंट कीजिए।